हाय गाइस, वेलकम बैक टू कार्स क्लोसेट। आज हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू जीप कंपास एस वेरिएंट के बारे में, जो कि इसका टॉप एंड वेरिएंट है। क्विकली गाइस, अगर हम इसके फ्रंट लुक्स के बारे में बात करते हैं तो आपको यहाँ पे ड्यूअल फंक्शनल DRLs दिए गए हैं, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि LED में इसमें प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। यहाँ पे आपको जीप की सिग्नेचर 7-स्लॉट ग्रिल देखने के लिए मिलती है। मैट फिनिश में जीप का लोगो आपको यहाँ पे दिया गया है। 360 कैमरे का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको इसके फॉग लैंप्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। ये कुछ आप इसकी ग्रिल देख सकते हैं गाइज़, जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रही है देखने में। अगर हम इसके साइड के बारे में बात करते हैं गाइज, तो आपको ड्यूअल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर हम इनकी प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 225/55R18, यानी कि आपको इसमें 18 इंच के अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। कंपास का मैट फिनिश में लोगो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। आपको यहाँ पे 360 कैमरे का ऑप्शन दिया गया है। साइड टर्न व्यू इंडिकेटर्स को ORVM में इंटीग्रेटेड किया गया है। रिक्वेस्ट सेंसर बटन का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। ये कुछ आप इसकी रूफ रेल्स देख सकते हैं गाइस, जो कि फंक्शनल नहीं है। अगर हम इसके रियर के बारे में बात करते हैं गाइस, तो LED टेल लैंप्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इंडिकेटर्स की प्लेसिंग यहाँ पे की गई है। जीप का लोगो मैट फिनिश में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पे आपको इसका रियर वाइपर एंड वॉशर देखने के लिए मिल जाता है। रियर डी फोगर्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको इसका शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिलता है, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। S जो कि इसका टॉप एंड वेरिएंट है, उसकी ब्रांडिंग आपको यहाँ पे दी गई है। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। रियर व्यू मॉनिटर कैमरे का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। आपको यहाँ पे एक लेपर्ड बना हुआ दिखता है, जो कि इसकी कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह आपको यहाँ पे एक स्लैग भी बना हुआ देखने के लिए मिल जाता है। रियर विंड शील्ड पे आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर गाइस हम इसके बूट के बारे में बात करें, तो आपको की में भी ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही आप की को 2 बार प्रेस करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट ओपन हो जाता है। ये कुछ आप इसका 438 लीटर्स का मैसिव बूट स्पेस देख सकते हैं गाइस। बूट लैंप का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, जो कि बोथ साइड आपको प्रोवाइड किया गया है। आपको इसमें 60-40 बेंच फोल्डिंग सीट्स भी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट फीचर हो जाता है। आपको यहाँ पे पार्शियल ट्रे भी दी गई है, जिसको आप इजीली डिटैच कर पाएंगे। आपको यहाँ पे 16 इंच का डोनट टायर देखने के लिए मिलता है, जो कि स्टील रिम के साथ में इसमें प्रोवाइड किया गया है। आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक बटन दिया गया है, जिसकी मदद से आप बूट को क्लोज कर सकते हैं। अगर गाइस हम इसके की के बारे में बात करते हैं, तो आपको लॉक अनलॉक और बूट रिलीज का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, और कुछ इस तरीके की की आपको इसमें देखने के लिए मिलती हैं। क्विकली गाड़ी को अनलॉक करते हैं। आप यार रिक्वेस्ट सेंसर बटन की मदद से भी गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। अगर गाइस हम इसके राइट डोर के बारे में बात करते हैं, तो मेमोरी सीट्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। डोर ओपनर का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। स्पीकर वेंट की प्लेसिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। ORVM को एडजस्ट करने के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। पावर विंडो के कंट्रोल आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे दिया गया है। 1 लीटर बोतल होल्डर का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। मैगजीन होल्डर का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। अगर हम इसके सीट्स के बारे में बात करें गाइस, तो इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट्स आपको इसमें देखने के लिए मिलती है, जिसको आप यहाँ से इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इसके हेडलाइट के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं गाइस। आपको इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं गाइस, जो कि ऑटोमेटिकली नाइट के टाइम पे ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं। क्विकली गाड़ी के अंदर चलते हैं। अगर गाइस हम इसके इंटीरियर्स के बारे में बात करें, तो ऑल ब्लैक इंटीरियर आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। आपको यहाँ पे लेदर रेप्ड स्टीयरिंग देखने के लिए मिलता है। इसके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के बारे में बात करें, तो MID के कुछ कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। जीप का अपग्रेडेड लोगो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ये कुछ आप इसकी MID डिस्प्ले देख सकते हैं गाइस, जो कि फुली डिजिटल आपको इसमें देखने के लिए मिलती है। आप चेकआउट कर सकते हैं। आप इसमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैनेज कर सकते हैं। अगर हम इसके इन्फोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बात करें गाइस, तो 10.1 इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम इसमें दिया गया है, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आप एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी जो है मैनेज कर सकते हैं। वो ऑप्शन आपको इसमें वायरलेसली देखने के लिए मिलता है। अगर हम यहाँ पे बात करें, तो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। हैजार्ड लाइट का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। एयरबैग को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्क्रीन ऑफ का ऑप्शन दिया गया है।
मीडिया के कुछ कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। ये कुछ आप इसका ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी देख सकते हैं गाइस, जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे यूएसबी टाइप ए एंड टाइप सी का ऑप्शन दिया गया है। आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफी प्रीमियम फीचर हो जाता है। ये कुछ आप इसकी गियर नॉब देख सकते हैं गाइस, जो कि लेदर रैप्ड इसमें प्रोवाइड की गई। आपको इसमें ड्राइविंग मोड्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें आपको सैंड स्नो एंड ऑटो मोड इसमें देखने के लिए मिल जाता है। ये कुछ आप इसका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक देख सकते हैं गाइस, जो कि काफी प्रीमियम फीचर हो जाता है। आपको यहाँ पे टू कप होल्डर्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। की फोब का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। ये कुछ आप इसका स्लाइडिंग आर्मरेस्ट देख सकते हैं गाइस। अगर हम इसके स्पेस के बारे में बात करें तो डिसेंट स्पेस के साथ में ये इसमें प्रोवाइड किया गया है। अगर हम इसके सीट्स के बारे में बात करें गाइस, तो आपको इसमें लेदर सीट्स देखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफी प्रीमियम अमेरिकन लेदर के साथ में इसमें प्रोवाइड की गई है। जीप की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। आपको यहाँ पे इसका सॉफ्ट ओपनिंग ग्लोव बॉक्स देखने के लिए मिलता है, जो कि डिसेंट स्पेस के साथ में दिया गया है। आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आपको यहाँ पे टू लाइट्स का ऑप्शन दिया गया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगेन आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से आप इसकी जो है पेनारोमिक सनरूफ देख सकते हैं गाइस, जिसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, जिसको आप वन टच में ओपन एंड क्लोज भी कर सकते हैं। आपको इसमें ऑटोमेटिक कर्टन भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफी प्रीमियम फीचर हो जाता है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ये कुछ आप इसका 360 डिग्री कैमरा देख सकते हैं गाइस, जिसमें आपको टॉप माउंटेड व्यू भी दिया गया है। आप इसमें व्यूज को जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं गाइस। जीप की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के पुणे प्लांट में हो रही है, जहाँ से 30 प्लस राइट हैंड ड्राइव में ये गाड़ी एक्सपोर्ट भी की जाती है। जैसे कि फोर्ड एंड अदर कंपनीज जो इंडिया छोड़ के जा चुके हैं, वैसा खतरा हमें जीप के साथ नहीं है। आप फ्रीली इसको परचेस कर सकते हैं। अगर गाइस हम इसके रियर के बारे में बात करते हैं, तो डोर ओपनर का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। ट्विटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। पावर विंडो कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे दिया गया है। 1 लीटर बोतल होल्डर का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। स्पीकर वेंट की प्लेसमेंट यहाँ पे दी गई है। क्विकली गाड़ी के अंदर चलते हैं। अगर गाइस हम इसके रियर से डैशबोर्ड की बात करते हैं, तो काफी अट्रैक्टिव एंड प्रीमियम लगता है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम इसके रियर सीटिंग कंफर्ट के बारे में बात करें, तो मेरी हाइट 6 फीट है एंड फ्रंट सीट को मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया गया है। उसके बाद आपको कुछ इतना मैसिव स्पेस देखने के लिए मिलता है। इसमें रियर एसी वेंट्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि काफी कन्वीनियंट फीचर हो जाता है। आपको रियर में यूएसबी चार्जर का ऑप्शन भी दिया गया है, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। 12 वोल्ट के पावर एडेप्टर का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। आपको यहाँ पे इसका आर्मरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है, विद 2 कप होल्डर्स एंड मोबाइल पॉकेट। आपको इसमें चारों ही एडजस्टेबल एड्रेस दिए गए हैं, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। ये कुछ आप इसका रियर से सनरूफ का व्यू देख सकते हैं गाइस। अगर गाइस हम इसके डाइमेंशंस के बारे में बात करते हैं, तो 4405 mm लेंथ, 1818 mm विड्थ, 1640 mm हाइट, 2636 mm आपको इसमें व्हील बेस देखने के लिए मिलता है। ये कुछ आप इसका 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देख सकते हैं। दिस इज ओल्ड एंड अबाउट जीप कंपास एस टॉप एंड वेरिएंट। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।